गाडरवरा तहसील में हुई 2 माह पूर्व ओलावृष्टि की फसल का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला, जिसके चलते किसानों ने शासन प्रशासन से आवाज उठाई, ये मांग की है कि उनको शीघ्र ही इसका मुआवजा दिलाया जाए। क्योंकि आपको बता दें कि 2 माह पूर्व सालेचौका क्षेत्र के रैमा बेरखेड़ी पलेरा में काफी जमकर ओलावृष्टि हुई थी, जिसके चलते किसानों की फसलें नष्ट हो गई थी। वहीं इस पूरी इस वस्तु स्थिति का जायजा लेने के लिए गाडरवरा के SDM तहसीलदार और स्थानीय नेता भी मौजूद थे और उन्होंने जायजा लेकर कहा था, आश्वासन दिया था किसानों की इसका शीघ्र इनको मुआवजा दिलाया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक किसानों को इसका 1 रुपए नहीं मिला है, जिसके चलते किसानों में काफी आक्रोश की भावना व्याप्त है और उनकी गुहार भी शासन से है कि उनको शीघ्र इसका मुआवजा दिलाया जाए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है एक बुजुर्ग किसान की जुबानी, उनको ओलावृष्टि का 1 रुपए न मिलने की पूरी कहानी। पटवारी, तहसीलदार, हर खेत हर किसान की मेड़ पे गए थे, उन्होंने फसल देखी थी, ओरे में पूरी फसल नष्ट हो गई, तो पैसा अब तक नहीं मिले किसानों के लाने। किसान सोच रहे हैं कि हमें मिल जाते तो कछु हम आगे बढ़ जाते, अब किसानों के लाने कुछ नहीं, बेचारे ऐसे ही हो रहे हैं परेशान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बदामी लाल चमार है। कहाँ रहते हो? मैं ग्राम बसुरिया बेरखेड़ी हार। आपके यहाँ पे 2 महीने पहले ओलावृष्टि हुई थी? ओलावृष्टि खूब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुई थी, तो अब तक मुआवजे एक पैसा नहीं मिला? एक पैसा नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला। तहसीलदार, SDM, पटवारी हर मेड़ पे गए थे, मेड़ देखी थी उन्हें, तो आप मांग करते कि वो लोग पैसा मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, अब किसानों मिले ही नहीं रहे, मांग मांग के हैरान हो गए बेचारे। आप देख सकते हैं इनका आरोप है कि 2 महीने पहले यहाँ पे ओलावृष्टि हुई थी, जिसका अभी तक इनको मुआवजा नहीं मिला, नहीं मिला। तो इस तरह अधिकारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं ध्यान दें, जिससे कि किसानों को ओलावृष्टि का पैसा मिल सके।